SKM Sky में आपका स्वागत है। दोस्तों, अग्रसेन की बावली में हुआ था हजारों लोगों की हत्या। अग्रसेन की बावली कहाँ है, क्यों बनवाया गया था तथा किसने बनवाया था, इसके बनाने के पीछे क्या कारण थे और क्या दोस्तों इसके कुएं में हजारों लोगों ने कूदकर जान दिया था, इन सब प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल। दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दिल्ली के अग्रसेन की बावली, जहां से जुड़े हैं कई अनसुने और अनसुलझे राज्य, लेकिन इस शहर में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में शायद ही कोई इतना अच्छे तरह से जानता होगा। अग्रसेन की बावली ऐसी ही एक जगह है जो अपने अनसुलझे राज्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों वैसे तो दिल्ली में बहुत ही ऐतिहासिक स्थल मौजूद है, लेकिन अग्रसेन की बावली सुंदरता और देहात आकर्षण लोगों को चौंकाने पर मजबूर कर देता है। साथ ही इसकी भूतिया कहानियों की वजह से भी यहाँ लोग सबसे ज्यादा आते हैं। अग्रसेन की बावली एक संरक्षित स्मारक है और भारत के दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस खूबसूरत इमारत का निर्माण कब तथा किसने करवाया था, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण महाभारत के दौरान महाराजा अग्रसेन नामक अग्रोहा के महान राजा द्वारा किया गया था। अग्रसेन की बावली केवल एक जलाशय के रूप में नहीं बल्कि एक सामुदायिक स्थान के रूप में भी काम करने के लिए बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय की महिलाएं इस कुएं पर इकट्ठा होती थी और बावली के शांत वातावरण में उन्हें आराम मिलता था और बाहर से भीषण गर्मियों से बचने का बहुत ही अच्छा राहत मिलता था। अग्रसेन की बावली, जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इस इमारत का आकार आयताकार है। दोस्तों यहाँ पर 100 सीढ़ियां हैं जो आपको नीचे कुआं तक लेकर जाता है। इसकी खास बात, आप जब इस सीढ़ी के सहायता से नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान यानी कि गर्मी कम होते जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अग्रसेन की बावली के कुएं के अंदर आत्मघाती काला पानी लोगों का दिमाग घुमा देता है और आत्महत्या के लिए यह पानी भी जाना जाता है। दोस्तों लोगों का कहना है कि कुएं में काला पानी था जिसमें रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस कुआं में आत्महत्या का कोई निशान नहीं मिला और आज यह कुआं पूरी तरह से सूख चुका है। आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, SKM Sky चैनल पे आप लोगों को इस तरह का कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा।